हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को एक और जो है कार्य करना है सभी को मिलकर, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो किसी कोचिंग का टीचर हो, सभी को ये चीज़ जो है वो आगे बढ़कर जो है वो इस प्रक्रिया को बढ़ाना है। जिसमें विषय क्या रहने वाला है कि जो थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती 2023 है, इसमें जो पद हैं वो बढ़ने चाहिए। ठीक है, कारण जो कई हैं कि क्यों बढ़ने चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो हमने देखा कि 2019 में जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी, तो उसमें लेवल वन के 15,500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई, बाकी बचे हुए जो लेवल टू के अभ्यर्थी थे, पेपर लीक होने की वजह से उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जिससे कि काफ़ी बच्चों को नुकसान हुआ है। तो ये पद जो बचे हुए हैं, इन पदों को भी आगे आने वाली जो 2023 की भर्ती प्रक्रिया है इसमें शामिल किया जाए, यानी पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। ठीक है, कारण क्या रहे हैं? एक तो भर्ती का जो है विलंब होना, यानी कि बहुत लेट हो चुका है सभी बच्चों के लिए। 4-5 साल जो है वो बच्चे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, चाहे कितनी भी मेहनत की है बच्चों ने। ठीक है, दूसरा पदोन्नति जो है उसकी वजह से पद और भी खाली हो गए हैं। ठीक है, और हर साल जो है वो बच्चे बीएड करते हैं, बीएड करके जो है न्यू स्टूडेंट भी ऐड होते हैं और वो भी इस परीक्षा में शामिल होते हैं, तो अभ्यर्थियों की संख्या जो है वह भी बड़ी है। तो ये कई कारण हैं जिस वजह से मुख्यमंत्री जी को जो है इस ओर बहुत बारीकी से जल्द ध्यान देना होगा। जो पद हैं इनको बढ़ाकर जो है 60,000 करना होगा, ताकि जो बेरोज़गार हैं उनको राहत मिल सके। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अपने क्षेत्र में जो भी विधायक हैं, पार्षद हैं, ठीक है, अपने तरीके से आप लोग जो हैं इस चीज़ को आगे और बढ़ाएं। कोचिंग वाले यदि हैं तो उनको भी आगे इस ओर जो है ध्यान देना चाहिए। आप एक एप्लीकेशन जो है वो हर एक को पहुंचाएंगे, इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और इसमें इतनी ज़्यादा आप लोगों को मेहनत भी नहीं लगती है। एक जो है इस तरीके से एप्लीकेशन जो है वो लिखें और बिल्कुल हर जगह जो है, जो भी आप लोगों को लगता है कि हमारी ये जो बात है इसको आगे जाकर पहुंचा सकते हैं, तो ये अपने तरीके से पहुंचाएं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें जो भी बच्चे 2-3 मार्क से रह जाएंगे, जब कट ऑफ आ जाएगी तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जब संख्या बढ़ जाएगी पदों की, तो कट ऑफ जो है वो अपने आप ही डाउन इतनी हो जाएगी कि 2-3 या 3-4 मार्क्स जो है जिनके कम रह गए हैं, इनको लगता है कि हमारा नंबर नहीं आ पाएगा, तो वो सब आ जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत लगेगी आप लोगों को, बस इतना ही करने में कि एक एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों को अपने क्षेत्र के जो प्रधान हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, वहाँ तक पहुँचाएँ। ठीक है, जिससे कि बात जो है वो आगे बढ़ सके। तो जहाँ हम कोशिश करते हैं तो वो चीज़ जो है सफल होती भी है, मेहनत लगती है। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट के लिए जो है मेहनत की सभी ने मिलकर। ठीक है, और मुझसे जो बन सकता है वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे लिंक जो है वो बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे हैं, लेकिन जहाँ तक आम जो नागरिक है उसकी तरह जो कार्य हम कर सकते हैं वो तो हमें करने ही चाहिए। और विद्यार्थियों को यदि जहाँ भी फ़ायदा होता है तो वहाँ हर कोचिंग वाले को साथ देना चाहिए, ताकि उनका भला हो। ठीक है, और जैसे आप लोग टीचर बने हैं, वो भी टीचर बनकर जो है बेरोज़गारी से जो है अपनी निजात पा सकें और अपने और अपने परिवार का जो है भरण पोषण कर सकें। तो सभी से निवेदन है मेरा, तो ये चीज़ जो है वो मुख्यमंत्री जी तक जो है पहुंच जाए, क्योंकि जब तक कागज़ों के माध्यम से कोई भी चीज़ नहीं पहुंचती है तब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है, चाहे आप कितना भी जोर लगा लो। ठीक है, तो कागजी कार्रवाई जो है वो आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये जो बात थी वो आपको समझ में आई होगी। सभी लोग अपने स्तर से जो है कार्य करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।